हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड देयर निक नेम्स, तो भारत के जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं और उनके जो भी निक नेम हैं, तो हम इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैनल पर फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल सुपरलेटिव ऑफ इंडिया देन इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक को कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम फेमस पर्सनैलिटीज के निकनेम पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसे फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जी को फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर किया जाता है। देन इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, प्रोफेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है राजा राम मोहन रॉय जी के, और इनके बारे में जान ही रहे होंगे। 1828 में ब्रह्मो समाज की स्थापना किए हुए थे और 1829 में विलियम बेंटिंक के साथ में ये सती प्रोविजन एक्ट को पारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो 1828 में ये ब्रह्मो समाज की स्थापना किए हुए थे। तो इससे पहले मैं इन पर भी एक सेपरेट लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो इन्हें हम फर्स्ट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ तात्या टोपे, वन ऑफ द नोटेबल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो यहाँ पे आपको तात्या टोपे का रियल नेम बताना है, तात्या टोपे का रियल नेम क्या था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का रियल नेम था। तो जान ही रहेंगे जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, तो इस रिवोल्ट के दौरान ये कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के। तो नाना साहेब जो कानपुर से रिवोल्ट का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे। और नाना साहेब का भी वास्तविक नाम दोंडूपन था, तो इनका भी वास्तविक नाम दोंडूपन था। लेकिन जब ये रिवोल्ट के दौरान नेपाल चले जाते हैं, तो उसके बाद तात्या टोपे ये झांसी की रानी को ज्वाइन कर लेते हैं, झांसी की रानी के सहयोग में चले जाते हैं झांसी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज डंका शाह, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह के दिनों में डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, अहमदुल्ला शाह। अहमदुल्ला शाह को रिवोल्ट के दौरान डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो ये फैजाबाद से रिवोल्ट को नेतृत्व किए हुए थे, ये फैजाबाद से रिवोल्ट को नेतृत्व किए हुए थे। तो इन्हें रिवोल्ट के दौरान डंका शाह के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई वाज आल्सो नोन एज बाय विच नेम, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तो इन्हें मनु, छबिली, मणिकर्णिका, तो इन तीनों नामों से इन्हें जाना जाता था। तो इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, तो इसी वजह से इन्हें मनु कहा जाता था। और छबिली ये जो पेशवा थे, लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, तो उनके द्वारा छबिली टाइटल दिया गया था, तो वे छबिली कहकर पुकारा करते थे। तो इन पे भी मैं सेपरेट लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इन्हें इन तीनों नामों से जाना जाता था। ऑप्शन डी राइट आंसर है, और ये भी रिवोल्ट के दौरान झांसी से रिवोल्ट का नेतृत्व की हुई थी। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देन इसके अलावा इन्हें अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। तो यह महाराष्ट्र से सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर थे, तो इन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लीडर्स इज नोन एज जगत पिता, निम्नलिखित में से किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस ट्राइबल लीडर को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी को जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। तो ये मुंडा रिवोल्ट को नेतृत्व किए हुए थे 1899 से 1900 के बीच में, तो इन्हें जगत पिता के नाम से जाना जाता है।
तो यदि आप इनमें भी इंटरेस्टेड हैं तो इन पे भी मैं सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो इन्हें जगत पिता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज लाल बाल पाल। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक। तो इन तीनों को कलेक्टिवली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक इज ऑल्सो नोन एज, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक जी को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लोकमान्य। तो इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा जानी होंगे 1916 के आसपास में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का स्लोगन दिया गया था। तो ये 1916 के आसपास में स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट का स्लोगन दिए हुए थे, तो इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एसर्टिव नेशनलिज्म, मुखर राष्ट्रवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बीजे तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को फादर ऑफ एसर्टिव नेशनलिज्म के रूप में जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, इन्हें भारत में फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, तिलक कॉल्ड एज द डायमंड ऑफ इंडिया, ज्यूवल ऑफ महाराष्ट्र एंड द प्रिंस ऑफ वर्कर्स। तिलक ने किसको भारत का हीरा, महाराष्ट्र का गहना और श्रमिकों का राजकुमार कहा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है गोखले। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को डायमंड ऑफ इंडिया, ज्यूल ऑफ महाराष्ट्र और प्रिंस ऑफ द वर्कर्स कहे हुए थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और ये टाइटल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, हु वाज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो यहाँ पे आपको बताना कि इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें पंजाब द शेर भी कहा जाता है, जिसका मीनिंग है लाइन ऑफ पंजाब, तो इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब द शेर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज ऑल्सो नोन एज देशबंधु, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके द्वारा जानी रहेंगे 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था, तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किए हुए थे और ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, तो ये भी पूछे जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो ये चित्तरंजन दास थे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इन्हें हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हु इज नोन एज दीनबंधु, दीनबंधु के नाम से कौन फेमस है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है सी एफ एंड्रयूज। सी एफ एंड्रयूज दीनबंधु के नाम से फेमस है और ये टाइटल इन्हें गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो दीनबंधु के नाम से सी एफ एंड्रयूज को जाना जाता है और ये टाइटल गांधी जी के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज शहीद ए आजम, निम्नलिखित में से किसे शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना कि इन्हें शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर भगत सिंह। भगत सिंह जी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है और इनके द्वारा स्लोगन भी दिया गया था, जानी रहेंगे साम्राज्यवाद का नाश और इनकलाब जिंदाबाद, तो ये इनके द्वारा स्लोगन दिया गया थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हें आप शहीद आजम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इंडियन रिवोल्यूशनरी इज ऑफ्टन नोन बाय द स्यूडोनम बलराज, किस भारतीय क्रांतिकारी को अक्सर बलराज के उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जी को अक्सर बलराज के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, हु इज नोन एज साहित्य सम्राट, साहित्य सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी को साहित्य सम्राट के नाम से जाना जाता है और इनके बारे में जानी रहेंगे इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया था आनंद मठ, तो आनंद मठ जिससे हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, तो उसे लिया गया है और पहली बार वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था और हम बंकिम चंद्र चटर्जी जी को
शायद या सम्राट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में जान ही रहेंगे, इनका वास्तविक नाम मूल शंकर था और इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था और ये शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किए हुए थे। इन्हीं के द्वारा शुद्धि मूवमेंट भी शुरू किया गया था और इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था, गो टू द वेदाज, वेदों के लोटो। तो इन्हें मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, द मैन पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव इज, वह व्यक्ति जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी गुरुदेव के नाम से फेमस हैं और इनको ये टाइटल महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज रविंद्रनाथ टैगोर नोन। रविंद्रनाथ टैगोर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। तो इन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके तीन इंपॉर्टेंट निकनेम है, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु इज फेमसली नोन एज द प्रिंस ऑफ बेगर्स। भिखारियों के राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी प्रिंस ऑफ बेगर्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनके द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था और ये 1916 के आसपास में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना किए हुए थे। तो इन्हें प्रिंस ऑफ बेगर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर वाज निकनेम्ड महामना। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता का उपनाम महामना था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मदन मोहन मालवीय। तो इनका निकनेम महामना, इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस वाज पॉपुलरली नोन बाय द नेम ऑफ। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नेताजी। तो इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, नेताजी। और ये 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का फॉर्मेशन किए हुए थे। तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस ए पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था और इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा देश नायक भी कहा गया था। तो ये दोनों नेम इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा देश नायक कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जान ही रहेंगे, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है और ये टाइटल माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इन्हें दिया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द निक नेम ऑफ गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का निक नेम नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है गांधी जी का ऑप्शन से कौन सा एक निक नेम नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी ये गांधी जी का निक नेम नहीं है। तो इन्हें बापू भी कहा जाता है, इनका बापू भी निक नेम है महात्मा। तो ये इन्हें टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था फादर ऑफ नेशन। तो ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये टाइटल इन्हें दिया गया था। तो फ्रंटियर गांधी ये खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, जो एक पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे। तो ये गांधी जी का निक नेम नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द निक नेम ऑफ जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। जतिंदर मोहन सेन गुप्ता का निक नेम क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, देशप्रिय। देशप्रिय जतिंदर मोहन सेन गुप्ता का निक नेम है। तो ये बंगाल में ऑल बंगाल सिविल डिसओबीडियंस काउंसिल का फॉर्मेशन किए हुए थे जतिंदर मोहन सेन गुप्ता। तो इनका निक नेम देशप्रिय है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज राजा जी। किस फ्रीडम फाइटर को राजा जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको उस फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। तो
तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और शॉर्ट फॉर्म में इन्हें सी आर भी कहा जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म में इन्हें सी आर या राजा जी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरदार पटेल इज ऑल्सो नोन एज द, सरदार पटेल को किस नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आपको बताना है सरदार पटेल जी को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो इन्हें यूनिफायर ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट निकनेम है सरदार पटेल जी के। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर हाल ही में कवर किया हूँ, तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू में इन पे जल्दी कुछ दिन पहले ही कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु इज ऑल्सो नोन एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स, किसे भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स इज ऑल्सो नोन एज देश रत्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में जानी दूंगी ये इंडिपेंडेंस के बाद भारत के पहले प्रेसिडेंट बने थे, तो इन पर भी मैं सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। तो इनके तो इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गांधी ऑफ बिहार, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द निक नेम ऑफ राजेंद्र प्रसाद, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निक नेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा एक इनका निक नेम नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मैन ऑफ पीस। तो मैन ऑफ पीस ये इनका निक नेम नहीं है, तो इन्हें देश रत्न, अजात शत्रु और गांधी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट निक नेम है। और मैन ऑफ पीस ये लाल बहादुर शास्त्री जी को जाना जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, तो ये इनका निक नेम नहीं है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज बिहार विभूति, बिहार विभूति किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति भी कहा जाता है, तो ये बिहार के पहले डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, तो इन्हें बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज फेमस एज बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से कौन फेमस है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार केसरी के नाम से फेमस हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर लोकनायक। तो इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर लोकनायक। तो लोकमान्य जारी रहेंगे तिलक जी को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है और देशबंधु सीआर दास जी को कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री इज ऑल्सो नोन एज, लाल बहादुर शास्त्री को किस रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैन ऑफ पीस। तो इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैन ऑफ पीस। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो इनके बारे में जान ही रहेंगे ये 1925 में कांग्रेस के कानपुर सेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, तो ये 1925 में कांग्रेस के कानपुर सेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इनसे पहले एनी बेसेंट बनी हुई थी लेकिन वे इंग्लैंड की थी, तो वे फर्स्ट फीमेल थी, और सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय पहली इंडियन महिला थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली 1925 में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाद में जब हमें आज़ादी मिल जाता है तो उसके बाद ये पहली भारतीय महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की, तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं, तो
तो इन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध रूप से भारत की आयरन लेडी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये भारत की पहली महिला पीएम बनी थी और इन्हें पहली बार 1971 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो ये पहली भारत रत्न पाने वाली महिला बनी थी 1971 में। तो इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स। सेंट ऑफ द गटर्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। इन्हें सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है। और मदर टेरेसा एक अल्बेनियन इंडियन रोमन कैथोलिक नन एंड मिशनरी थी। और इन्हें 1979 जानी रहेंगे 1979 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। और उसके बाद फिर 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन्हें सेंट ऑफ द गटर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर इज नोन एज। लता मंगेशकर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है क्वीन ऑफ मेलडी। इन्हें सुरों की रानी कहा जाता है। इन्हें सुरों की रानी के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो इन्हें भी कहीं कहीं पे कंसीडर किया गया है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बट इंपॉर्टेंट है क्वीन ऑफ मेलडी। इन्हें सुरों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नोन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इनके बारे में जानी रहेंगे, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और भारत के इंडिपेंडेंट के बाद ये पहले लॉ मिनिस्टर बने थे। तो इन पे भी मैं सेपरेट लेक्चर कवर किया हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो इन्हें इन तीनों नामों से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये पाकिस्तानी नेशनलिस्ट थे और इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। और ये पहले फॉरनर बने थे भारत रत्न पाने वाले। तो ये भी पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैं भारत रत्न भी कवर कर चुका हूँ, तो आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट, व्हाट इज द निक नेम ऑफ हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद का निक नेम क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है द विजेट। द विजेट या द मैजिशियन ऑफ हॉकी इनका निक नेम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है द विजेट। ऑप्शन में द विजेट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द निक नेम ऑफ पीटी उषा। पीटी उषा का निक नेम क्या है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है पयोली एक्सप्रेस। तो इनका निक नेम पयोली एक्सप्रेस है। तो ये एक इंडियन एथलेटिक्स थी। बेसिकली इनका संबंध ट्रैक एंड फील्ड से है। तो ये ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित थी। तो इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। ये भी निक नेम इंपॉर्टेंट है। इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन प्लेयर इज नोन एज गोल्डन गर्ल एंड उडन परी। किस इंडियन प्लेयर को गोल्डन गर्ल और उडन परी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर पीटी उषा। तो पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल और उडन परी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पीटी उषा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर्स इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ब्लास्टर। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसको मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके अलावा इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। और जानी रहेंगे ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बने थे भारत रत्न पाने वाले। तो ये यंगेस्ट रेसिपिएंट बने थे भारत रत्न पाने वाले। देन इसके अलावा ऑप्शन में और भी क्रिकेटर हैं, तो उनके बारे में उनके निक नेम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कपिल देव, इन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है।
देन इसके अलावा एमएस धोनी, तो इनको जान ही देंगे, मिस्टर कूल, कैप्टन कूल या माही भी कहा जाता है, देन रोहित शर्मा, तो इनको हिटमैन के नाम से भी जाना जाता है, इनका निकनेम हिटमैन भी रखा गया है। तो ये कुछ निकनेम है जो पूछे जाते हैं। और सचिन तेंदुलकर, तो इनको मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज बाघा जतीन। निम्नलिखित में से कौन बाघा जतीन के नाम से लोकप्रिय थे? तो यहाँ पे आपको बताना है किनको बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जतेंद्रनाथ मुखर्जी। जतेंद्रनाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सोशल रिफॉर्मर वाज पॉपुलरली कॉल्ड एज पेरियार। किस समाज सुधारक को लोकप्रिय रूप से पेरियार कहा जाता था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, एवी रामास्वामी नायकर। एवी रामास्वामी नायकर जी को पेरियार कहा जाता था। तो इनके बारे में जानी रहेंगे, इनके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। देन इसके अलावा इन्हें फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट भी कहा जाता था। इन्हें फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इनके जो फॉलोअर थे इनको पेरियार कहा करते थे, इनका निकनेम पेरियार था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के निकनेम है, तो इसे हम कवर करने की कोशिश किए, जो भी पूछे जा सकते हैं या बन सकते हैं, तो उसे कवर करने की कोशिश किए। तो और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। यदि हेल्पफुल रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।